हाई गाइज कैसे हो आप लोग दिस प्रीति फ्रॉम माई हॉट चॉकलेट हो डली वेल आज मैं आपको बताऊंगी सर्दियों के मौसम में आप कैसा यू नो लाइट मेकअप कर सकते हो विदाउट यूजिंग एनी आई शैडो आप कैसे ग्लैमरस देख सकते हो सो येस लेट्स गेट स्टार्ट सबसे पहले तो हम लोग अपने स्किन को प्रेपेंट प्राइम करेंगे उसके बाद हम लोग डायरेक्टली यूज करेंगे अपना फाउंडेशन फॉर विच आई एम यूजिंग मामा अर्थ फाउंडेशन ये फाउंडेशन आप यू you नो know, हर तरीके से यूज़ कर सकते हैं अगर आपको फुल कवरेज चाहिए तो भी इसको यूज कर सकते हैं अगर आपको नेचुरल ड्यूई टाइप का लुक चाहिए तो भी आप इस फाउंडेशन को यूज़ कर सकते हैं सो गाइस आपको करना क्या है जैसे कि मैंने आपको बताया सर्दियों में आपका जो फाउंडेशन होता है थोड़ा थिक हो जाता है तो उसको आप थोड़ा सा ले लीजिए पहले और अपने फिंगर की हेल्प से पहले, पहले वार्म कर लीजिए उसके बाद आप स्किन में इसको लगाइएगा और फिर ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से आप इसको ब्लेंड कर लीजिएगा अगर आपको फुल कवरेज चाहिए यूज़ योर ब्रशेज़ और अगर आपको ड्यूई नेचुरल टाइप का लुक चाहिए यू कैन यूज़ योर ब्यूटी ब्लेंडर और उसी के हेल्प से आप पूरे फाउंडेशन को अच्छे से ब्लेंड कर लीजिएगा ब्लेंड करने के बाद आप देखिएगा कितना यू you नो know, अच्छा लग रहा है स्किन और एकदम मेरे स्किन से मैच करता है ये फाउंडेशन इसका शेड डिटेल मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी उसके बाद मैंने यूज़ किया अपना कंसीलर फॉर विच अगैन आईव यूज मामा अर्थ कंसीलर इसका मैंने दो शेड्स यूज़ किया है शेड वन एंड शेड टू दोनों को मिक्स करके कि यूज़ किया मैंने नाउ शेड वन क्या करेगा मेरे किन में वो जो हाईलाइटिंग पॉइंट्स है वहाँ पे हाईलाइट करेगा और शेड टू क्या करेगा अगर कोई थोड़ा बहुत कलर करेक्शन रहता है ना उसको वो अच्छे से यू नो ढक देता है जैसे थोड़ा सा डार्क सर्कल्स वगैरह अगर आ गए तो आप ऐसे दो शेड्स मिक्स करके यूज़ कर सकते हो ताकि आपका कलर करेक्ट का भी काम कर ले और एट द सेम टाइम आपको ना वो हाईलाइट भी मिल जाए तो बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट लेयर अप करने का आपको जरूरत नहीं पड़ेगा उसके बाद आप ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से अपने कंसीलर को अच्छे से ब्लेंड कर लो ब्लेंड करने के बाद हम लोग यूज़ करेंगे अपना कॉम्पैक्ट पाउडर साइज एक और बहुत अच्छा टिप देती हूँ अगर आप आई शेडोज नहीं यूज़ कर रहे हो यू जस्ट यूजिंग काजल तो कंसीलर को लाइट रखिएगा हमेशा आप ट्राई करके देखिएगा यू विल सी द डिफरेंस उसके बाद मैंने अपना मामा अर्थ का कॉम्पैक्ट पाउडर ले लिया है और मैं उसी को यू you नो know, अपने हाईएस्ट पॉइंट्स में लगा रही हूँ और मैं थोड़ा सा ज्यादा लगाऊंगी क्योंकि मुझे ना अपना जो कंसीलर था लाइक हाईएस्ट पॉइंट्स थोड़ा सा लाइट चाहिए था बिकॉज यू ऑल नो आई एम नॉट यूजिंग एनी आई शेडोज और मैं काजल के साथ ही आज प्ले करूंगी और डिफरेंट टाइप के लुक्स आपको दिखाऊंगे जो ईजी भी है बेगना फ्रेंडली भी है और आप आराम से उसको क्रिएट कर सकते हो पाउडर लगाने के बाद लीवर फॉर सम वाइल फिर आपको क्या करना है जितना भी एक्सेस पाउडर है उसको आपको डस्ट ऑफ कर देना विद द हेल्प ऑफ योर ब्रश तो आप देखिएगा जितना रिक्वायर्ड अमाउंट है वो रह जाएगा और जो एक्सेस है जब आप ब्रश से उसको अच्छे से ब्लेंड करोगे ना वो निकल जाएगा यह टेक्निक बहुत अच्छा काम करता है गाइज ट्राई जरूर करिएगा उसके बाद आप अपने आईब्रोस को बना लो फिल कर लो या जिस पुलिस

है, कलर बाहर आ जाएगा अच्छा खासा क्वांटिटी में अराउंड 0.35 थ्री ग्राम्स का है तो आप बहुत दिन तक यूज कर सकते हैं दिस इज द कलर वुडी ब्राउन एंड यू कैन सी द पिगमेंट हाउ ब्यूटिफुल इट इज नेक्स्ट कलर इज द डीप ओशन ब्लू इसका कलर पे ऑफ काफी अच्छा है बहुत स्मूद और एकदम ईजिली ग्लाइड ऑन हो जाता है जब मैं आईज में लगाऊंगी ना और डिफरेंट आई लाइनर्स क्रिएट करूंगी आप देखिएगा दिस इज इन द कलर फॉरेस्ट ग्रीन ये गाइज काजल इलेवन आवर्स तक स्टे कर सकता है मैं आपको वाटर टेस्ट भी करके दिखाऊंगी ये तीन कलर्स तो अभी न्यू लॉन्च हुए हैं एंड ऑल्सो मामा अर्थ हैज ब्लैक काजल वो भी मैं आपको दिखा सकती हूँ जो, जो कि काफी जेड ब्लैक है एंड ऑल्सो स्मच प्रूफ है चलिए मैं आपको लाइव यू नो वाटर टेस्ट दिखाती हूँ दैट द काजल us सो so गुड और एकदम स्मज प्रूफ है स्प्रे करो घिसते रहो नहीं निकलेगा यू हैव टू यूज माइसल वाटर टू रिमूव द कलर्ड काजल गाइज आप बिलीव नहीं करोगे ऐसा भी नहीं था कि वाटर लगाने से कलर लाइट हो गया है एग्जैक्ट जैसा कलर पे ऑफ है वैसे का वैसे ही था तो चलिए अभी हम लोग क्रिएट करेंगे कुछ ब्यूटिफुल सा यू नो लाइनर लुक्स उसके लिए सबसे पहले तो मैंने आप यूज किया डीप ओशन ब्लू कलर और मैंने जैसे सिंपल लाइनर हम लोग लगाते हैं ना वैसे आप इस काजल को लगा लीजिए वैसे लाइनर से बहुत बेटर काम करते हैं काजल जब आप इसको एज अ लाइनर यूज करोगे और हल्का सा विंग बना लीजिए दिस इज वेरी वेरी बिगनर फ्रेंडली जैसे नॉर्मली हम लोग घर में ब्लैक काजल के संग करते हैं आपको वही चीज ब्लू काजल के संग करना है गाइज वेरी इंपॉर्टेंट टिप जब भी आप कलर्ड काजल यूज़ करो बहुत लाइट हैंडेड यूज़ करिएगा एक बार में दबा के कोई प्रोडक्ट यूज़ नहीं करना है एकदम लाइट हैंडेड उसको लगाइए उसके बाद आप कोई भी ब्रश ले लीजिए और अपना जो आईलाइनर हमने क्रिएट किया है उसको स्मच कर लीजिए आप ऐसा फ्लैट ब्रश भी यूज कर सकते हैं और अगर छोटा ब्लेंडिंग ब्रश है तो वो भी ले सकते हैं एंड जस्ट उसी एरिया में उसको ब्लेंड करते रहेगा डोंट लेट द काजल सेट नहीं तो वो फिर ब्लेंड मुश्किल हो जाएगा जैसे ही लगाओगे तुरंत ब्लेंड करो उसके बाद सेम काजल मैंने पिक किया है और मैं उसको और डार्क कर रही हूँ आप ना जब लाइट लगाओगे तो बाद में डार्क कर सकते हो लेकिन जब एक ही बार में डार्क लगा दोगे ना उसको फिर लाइट करना बहुत मुश्किल हो जाता है तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट टिप मैं आपको दे रही हूँ एंड गाइज यू कैन सी द फर्स्ट लुक आजकल वो डार्क विंग लाइनर्स नहीं चले हैं ऐसे स्मोकी टाइप के हल्के से स्मज विंग लाइनर्स काफी इन है तो इसको ट्राई करिएगा नेक्स्ट आप क्या कर सकते हो ब्लैक काजल पिक कर सकते हो और उसको अपने वाटर लाइन में लगा लो सो so, ब्लू के संग जब आप ब्लैक को एड ऑन करोगे ना वो और सुंदर लगता है आई और अट्रैक्टिव लगेगा और अच्छा दिखेगा आपको ब्लैक काजल सिर्फ अपर वाटर लाइन्स में लगाना है लोअर वाटर लाइन में नहीं लगाना है आप चाहे तो इसी चीज को थिक करके भी लगा सकते हो नेक्स्ट लुक में मैंने यूज किया है अपना फॉरेस्ट ग्रीन कलर्ड काजल और मैं इससे बनाऊंगी एक थिक लाइनर नाउ गाइज जब भी आप कलर्ड काजल यूज करो ना मेक श्योर थोड़ा थिक करके उसको लगाओ तो वो और दिखता है अगर आप ज़्यादा पतला करके लगाओगे तो कलर पे ऑफ उतना नहीं दिखेगा लेकिन जब मोटा करके लगाओगे तो आपका जो कलर्ड काजल है वो और अच्छा दिखता है पहले हल्का हल्का करके लगाना है और फिर धीरे धीरे उसको डार्क करना है आप इस टिप को जरूर फॉलो कीजिएगा पहले लाइट लगाओ एंड देन स्लोली एंड ग्रेजुअली उसको मोटा करते रहो स्मूथली ये काजल एकदम लग जाता है और ना आइज में ऐसे इरिटेशन भी नहीं लग रहा था कि कुछ यू you नो know, कुछ लगा हुआ है ऐसा बिल्कुल फील नहीं हो रहा था वो चीज़ मुझे काफ़ी अच्छा लगा एंड ऑल्सो गाइज वी ऑल नो मामा अर्थ के जो प्रोडक्ट्स है दे आर ऑल मेड सेफ सर्टिफाइड एंड दे आर ऑल टॉक्स इन फ्री ओके नेक्स्ट स्टेप मैंने क्या किया है ब्राउन काजल पिक किया है विच इज़ वुडी ब्राउन और मैं इसको हल्का सा अपने uh, लैशेज के पास लगा रही हूँ लोअर लैशेस में अंदर वाटर लाइन्स में नहीं लगा रही हूँ मैंने इसको लैशेस में लगाया है और मैं उसको हल्का हल्का करके स्मज कर रही हूँ ताकि एक वो स्मोकी यू नो इफ़ेक्ट आए हल्का सा विंग क्रिएट कर दूंगी मैं तो आप इस टाइप का भी लुक क्रिएट कर सकते हो काफ़ी अच्छा लगता है जिन लोगों को आई नहीं यूज़ करना है नहीं पसंद है गाइज ट्राई यूजिंग दिस कलर्ड काजल एक तो अफोर्डेबल भी है कलर पे ऑफ भी अच्छा है एकदम स्मज प्रूफ भी है बहुत देर तक टिका भी रहेगा आपके आंखों में दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट लुक मैंने यहाँ क्रिएट किया है ग्राफिक लाइनर लुक गाइज मेरा जो आई है ना इट्स लाइक डीप सेट तो क्या होता है ना मैं आई शेडो ज़्यादा हैवी नहीं लगा पाती हूँ क्योंकि मुझे मेरे ऊपर अच्छा नहीं लगेगा आप ऐसा ग्राफिक लाइनर अगर क्रिएट करोगे ना अपने आई में आप देखो कितना ब्यूटिफुल लगता है अगर आपका आईज मेरे जैसा डीप सेट है ट्राई डूइंग दिस ग्राफिक लाइनर लुक बहुत अच्छा लगेगा अन्ना द फेवरेट ग्राफिक लाइनर लुक गाइज आप देख सकते मैं कितना लाइट हैंडेड कलर को यूज कर रही हूं जब आप लाइट हैंड यूज करोगे ना बहुत अच्छा लगेंगे आपके ग्राफिक लाइनर्स जब वो बन जाता है ना उसके बाद आप इसके ऊपर डार्क कलर लगा लो तो लग जाएगा बट जब आप बना रहे हो मेक इट लाइट तो आप देखना बहुत अच्छा लगेगा दिस इज लाइक माई फेवरेट मैं सोचो मैं अभी ये काजल बहुत यूज करने वाली हूं उसके बाद आप अपना मस्कारा लगा लो क्योंकि विदाउट मस्कारा तो कोई भी आई मेकअप कंप्लीट होता नहीं है मैंने यहां पर यूज किया मामा अर्थ का मस्कारा और सीरियसली गाइज मुझे लग रहा है मैं अब आई शेडो से ज्यादा ना ये कलर्ड काजल यूज करने वाली क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगा अपने आई में

कलर्स के साथ फिर आप अपना लिपस्टिक लगा लो सारा शेड डिटेल में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी ऑल्सो गाइज अवेड ट्वेंटी जल्दी से जाइए और ये कलर्ड एक बार ट्राई करके देखिए ऑल्सो गाइज नो मामा अर्थ प्रोडक्ट्स आर ऑल फ्री फ्रॉम हार्मफुल केमिकल्स मेड अप ऑफ ऑल नेचुरल इनग्रीडियंट्स गाइज मामा अर्थ प्रोडक्ट्स आर ऑल प्लास्टिक पॉजिटिव अगर आप ये लुक क्रिएट करोगे डू टैग मी ऑन इंस्टाग्राम सी यू गाइज रियली सुन बाय